देवी सिंह कहाँ के रहने वाले हैं आप? भरतपुर राजस्थान। राजस्थान के हैं तो ये डिजाइन के लिए पत्थर भी राजस्थान से ही आता है जी। और अपने यहाँ खेतों में निकलता है ये पत्थर। अच्छा अच्छा, हमारे जैसे खेत है ना जी, जी उन खेतों में निकलता है पत्थर। तो इसके डिजाइन के लिए आपके पास छापे दिए हुए हैं? ऐसा होता है हाँ, ये प्लानिंग सेल वाला वो होता है आदमी जी, जी प्लानिंग देने वाला जी, जैसे इंजीनियर होता है ना हाँ, तो कितना मेटेरियल चाहिए बिल्डिंग के लिए, ऐसे ही हमारा प्लानिंग सेल वाला एक आदमी होता है जी। वो पूरे मंदिर का नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे डिजाइन का पत्थर का माप निकाल देता है। अच्छा, जैसे ये एक पत्थर का पीस आपको दिया है इसी हाँ, तरह के और इसी डिजाइन के कितने लगेंगे हाँ, वो संख्या वो आपको बता देते हैं उसके पास है वो। और ये इतना कटा हुआ पत्थर भी आपको दे देते हैं, आपको उनके सब पे डिजाइन डालना है हाँ, वो अपने लेयर के हिसाब से हमारे लिए देता है हर पत्थर का अलग माप। अच्छा जी जी, माप देता है उस माप से हम पत्थर को यहाँ कटिंग करते हैं। अच्छा जी, कटिंग करने के बाद उस पत्थर पर डिजाइन भी वही देता है। मतलब ये जो बड़ा पत्थर दिख रहा है 8 फीट बाय 4 फीट में से काटा हुआ, ये कटिंग भी आपने की है? हाँ, पहले बड़ा अपने हाथ से की है। अच्छा, इसका ड्राइंग मिलता है हमारे लिए। अच्छा जी जी, ड्राइंग में छपा होता है कि इतना लंबाई, इतने चौड़ाई, इसमें कितना कट करना है, इधर इसके छापना है, इधर ऊपर। अच्छा, तो ये मंदिर का निर्माण का काम तो 1-2 साल से चल रहा है और अभी 15 साल से चल रहा है और अभी आगे भी चलता रहेगा, तब तक आपको ये काम करते रहना है इधर। हाँ, करते रहेंगे, हमारा तो काम इसी है। कितना समय लगता है ये पत्थर को पूरा करने में, इतने पत्थर को करने में डिजाइन? इतना कम से कम 2 महीना तो लग ही जाता है आदमी। 2 महीने में एक पत्थर पे आप डिजाइन डाल देते हैं जो कट के आया थे। तो आपकी तरह और भी कितने लोग हैं? सब एक साथ ही इसी पत्थर पे एक तरह के पत्थर को बनाने वाले भी 10-20-25 कलाकार होंगे जो कर रहे हैं? सब लगे, मतलब ये कारीगर जितने भी हैं हाँ, ये हर काम में एक्सपर्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कर रहा। अच्छा हाँ हाँ, और दूसरा आदमी इसको नहीं कर सके। अच्छा, ऐसा नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं सब। अच्छा, और आपका ये काम जो किया आपने, इसके मेजरमेंट के हिसाब से पेमेंट नहीं, दिन भर में आप काम कर रहे हैं, कौन सा भी किया आपने काम किया उस हिसाब से पेमेंट आपको मिल जाता जो तय है? कोई कोई ठिकाना नहीं है कितना भी हो जी जी हाँ, काम तो करना है, बैठे हुए नहीं है, दिखना चाहिए आदमी काम करता हुआ दिखे। तो इसमें ऐसा कभी हो जाता है कि कभी थोड़ा सा आपने चोट की और गलत कट गया ऐसा? वो तो जैसे डॉक्टर ऐसे ऐसे हाथ कट जाता है हमारा हाँ, काम कट जाता है तो डॉक्टर उसको सही कर देता है हाँ, तो ऐसे हम भी करते हैं उसको सही। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है? अच्छा, इसमें रिक्ता फंसा देते हैं, कटिंग करके जोड़ देते हैं उसको, एरल लाइट से दूसरी जगह पर उसको बना देते हैं जी जी। अभी ये ठीक है, यहाँ भी कट गया था हमको। तो ये जैसे संगमरमर के पत्थर होते हैं वो काफी कड़क रहते हैं, तो उसकी कटिंग में बड़ी मुश्किल पड़ती होगी? थोड़ा हार्ड कटता है, ये नरम है तो ये थोड़ा आसानी से हो जाता है, थोड़ा हार्ड कटता है जी। ये हमसे से कट के अलग हो गया हाँ जी, जॉइन कर दिया तो वहाँ चिपका दिया। अच्छा अच्छा जी जी हाँ, ये मतलब इस तरह से होना ही है हाँ। तो अभी आपको तो समझो 2-5 साल 10 साल तो यहीं पे इसी काम में लगे रहना है, या आपका मूड हुआ तो आप चले गए और भी लोग दूसरे आ जाते होंगे इसी तरह के जो एक्सपर्ट हैं? ऐसा चलता है सब जी जी, कोई ठिकाना नहीं किसी आदमी का, तो चाहे यहाँ। अच्छा, यहाँ आने के पहले आप कहाँ काम करते थे? कोई और मंदिर ऐसा जहाँ आपने काम किया हो? तो बहुत दूर काम किया, एक बार अमेरिका भी गया था इसी काम पर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, यहाँ ये भोपावर में एक मंदिर बन रहा है धार के पास, वो भी इसी तरह का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ भी यही काम हुआ है? मंदिर चलते रहते हैं। अच्छा, मंदिरों का आदमी का पैसा तो है नहीं इसमें। तो आपके मतलब भरतपुर में भी ऐसे हजारों कारागिर होंगे? बहुत। अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू, धन्यवाद।